ये है असली पड़ाव। ओ शिट, 1 2 3 बोलना, 2 3। धीरे धीरे धीरे, अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम अरुण है। तो सर धक्का मार दीजिए, फंस गया। और देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको कि स्नो में आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता। Hey guys, good morning. और गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। अभी मैं काजा में हूँ और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ हिकिम के लिए, और धूप बहुत ही तेज है इसीलिए आँख खुल नहीं रही है अच्छे से। और ठंड ठंड का बिलीव नहीं करोगे, धूप है भले लेकिन यहाँ पे -20 degrees है ठंड। अभी शायद 1-8 degrees घटा होगा, -18 या -19 होगा। और ठंड इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि हालत ख़राब है, बिना टोपी खोले मैं रह नहीं सकता, मतलब टोपी पहने रह नहीं सकता। और भाई बाकी कल हम लोग यहाँ पे होम स्टे ले लिए थे काजा में आके, मैं अभी आपको होम स्टे भी दिखाता हूँ। और कल का जो राइड रहा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, शाम हो गया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था चलाने में, क्योंकि स्नो जितना था, पानी जितना था, सब स्नो जम चुका था इसीलिए। तो और यहाँ के नज़ारे देखो, पूरा हिमालय है सामने में बर्फ़ से ढका हुआ। और अपनी बाइक कोल्ड स्टार्ट हम लोगों ने कर लिया है, ये देखो। तो सौरभ भाई का गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था जल्दी, और मेरा गाड़ी तो स्टार्ट हो चुका है, ये देखो। तो फाइनली चलो, दोनों का गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। अब सामान थोड़ा बहुत बाकी रह गया, बाकी तो मैंने बांध लिया है सामान, और वहाँ पे टैंक बैग लगाऊंगा। उसके बाद निकलते हैं हम लोग यहाँ से हिकिम के लिए। हिकिम यहाँ से 15 किलोमीटर है लगभग। ये है होम स्टे जहाँ हम लोग रात में रुके थे। ये होम स्टे है, यहाँ पे हम लोग रात में सोए थे। पूरा ये हीटर लगा हुआ है तो गर्म था पूरा, और यहाँ पे मैं सोया था। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी आंटी ने प्रोवाइड किया, और मैं आंटी से मिलाता हूँ आपको। ये है आंटी। आंटी अपना नाम बताइए। अंकित। अंकित, आप यहीं से काजा से ही हो ना? काजा से, काजा से। तो गाइज, किसी को अगर काजा में कोई आए, अगर रुकना हो तो आंटी से कांटेक्ट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, कोई भी आए काजा में तो इनके पास जरूर रुके। हॉस्पिटल की तरफ आ जाओ, हॉस्पिटल की तरफ काजा में। फोन नंबर दे देना। हाँ हाँ हाँ, मैं डाल दूंगा। आंटी का फोन नंबर दे देना, फिर हॉस्पिटल तक आ जाओ। हाँ, फिर हॉस्पिटल से सामने है। ठीक है ना, मैं नंबर डाल दूंगा, कोई भी आएगा तो आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। बाकी आंटी ने बहुत अच्छे से खाना खिलाया हम लोगों को, और बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो फिर हम लोग निकल रहे हैं हिकिम के लिए। हिकिम यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है, और वहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, है ना आंटी? हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, बाइक लोड हो चुका है, कोल्ड स्टार्ट कर लिया है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज, बाइक को फिर से एक बार कोल्ड स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ यार माइनस में है, तो तुरंत तुरंत बाइक ठंडी हो जा रही है। देखो दोनों बाइक स्टार्ट है, वो भी स्टार्ट करके रखा है, ये भी स्टार्ट करके रखा है, क्योंकि यार बाइक गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अपन पूरा रेडी हो चुका हूँ, रही मेरी हेलमेट, तो चलो जल्दी से हेलमेट पहन के यहाँ से निकलते हैं। एक बार यहाँ का नज़ारा देख लो काजा का। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं हिकिम। देखो यार कैसे बर्फ जम गया है, आगे में भी जमा हुआ है। एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कैसे जम गया है। निकल रहा हूँ काजा से, ओह सांस चढ़ जाता है यार तुरंत, क्योंकि बाइक थोड़ा सा हो गया आगे पीछे किया। चलो जी, हिकिम 41 मिनट है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर टाइम नहीं लगेगा। इस सब ये देखो यार पहाड़े, ओ हो हो वाव, पूरा वाइट ही वाइट है यार, वाइट चादर बिछा हुआ है पूरा, खतरनाक लग रहा है। सही है यार, इसी को कहते हैं विंटर स्पीति। अगर विंटर स्पीति नहीं किए लाइफ में तो फिर क्या किए। एक बार लाइफ में जरूर विंटर स्पीति करके देखो, अलग टाइप का, अलग लेवल का एडवेंचरिंग है यहाँ पे, मज़े आ जाएंगे मज़े।
हिकिम, तो वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पे है पोस्ट ऑफिस हिकिम में, तो ये चीज़ बहुत ही सुना था, देखा था वीडियोस वगैरह में। चलो आज फाइनली उस चीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है मेरे को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो आइस कैसे जम गए रोड में यार। आज है वो असली चैलेंज स्पीति का, क्योंकि रास्ते में ना पूरा बर्फ़ जमा हुआ है कहीं कहीं पे, और पूरा मतलब ऐसा है कि उसमें आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अब ब्रेक मारो या पैर रखो, पैर भी स्लिप करेंगे और गाड़ी भी स्लिप करेंगे, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है यहाँ पे। और देख रहे हो ना रोड पे कैसे जमा हुआ है बर्फ़, और भाई का बैटरी शॉर्ट हो गया, बार बार गाड़ी बंद हो रहा है, बार बार धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ रहा है, मेरा तो हालत ख़राब हो गया धक्का लगाते लगाते। देखो उस साइड में, ओ नो नो, उधर दिखाने के चक्कर में मैं जा रहा था। ये है असली पड़ाव। थोड़ा सा भी अगर इस पर आप ज़्यादा एक्सलरेट कर दोगे ना तो डायरेक्ट गिर जाओगे। ओ शिट, ओ शिट, गिर गई यार। फर्स्ट फॉल यार, शिट, लगी नहीं, अरे पैर स्लिप कर गया यार, चक्का देख रहा, आना उधर से तुम। अरे मैं गिर गया, कुछ हुआ तो नहीं? अरे यार ब्रेक दब गया भाई, ब्रेक दब गया, जल्दी उठाने तो टेढ़ा हो जाएगा। स्टैंड उसको कर ले, तो इसको खींच ले। हाँ चलो, 1 2 3 बोलना, 1 2 3। रुक जा, पैर स्लिप करेगा मेरा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़, छोड़ दूँ छोड़ दे, रुक जा, बैठ, बैठने दे, बैठ, जल्दी बैठ, इधर आ, इधर आ, जल्दी जल्दी दे जल्दी। अरे भाई, ओ शिट, रुक जा, स्टैंड थोड़ा सा झुकाने दे अब से। अरे भाई बाप रे, ब्रेक टेढ़ा नहीं हुआ ना? अरे बंद कर दिया गया, थोड़ा ऊपर जाके। अरे यार बंद क्यों किया? ओह सांस फूल जा रहा, आज है विंटर स्पीति का ओरिजिनल पड़ाव। अरे वो न्यूट्रल था, बस बस थोड़ा सा पीछे, हाँ बस, रुक जा, घींच रहा हूँ, चल हो जाएगा, कम ऑन, धीरे 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 धीरे, बस बस, हो फाइनली यार स्टार्ट हो गए। पानी रखा है ना? ठीक है। ओ भाई साहब, हालत एकदम टाइट हो गई है। इस बाइक तो एक बार फॉल हो चुकी है यार, बोला था ना आपको कि स्नो में आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता,
क्योंकि पैर भी स्लिप कर जाता है, टायर भी स्लिप कर जाता है, तो आपके पास कंट्रोल रहता ही नहीं है, गिरना ही एक अलग एक उपाय है। तो चलो खैर बाइक को कुछ हुआ नहीं। हाँ बाकी यार बाइक ढकेल ढकेल के तो मैं थक गया हूँ, सांस से फूल जा रही, फिर बंद हो गया क्या यार। क्या हुआ भाई, फोन को अंदर डाल रहा हूँ भाई, बैटरी खराब हो गई। कर ले जब रास्ता आएगा ना। हाँ भाई मेरे कोई मैसेज आ गया, अंदर डाल दे इसको। अंदर नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग चार्जिंग बंद कर दिया। और ये देखो यार क्या तो नजारा लग रहा है, ओह माय गॉड, ओह पूरा फ्लैट है एकदम सरफेस और पूरा बर्फ से वाइट जैसा फील्ड जैसा जमा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। हो लेकिन यार एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठंड से हालत ख़राब हो रही है, पूरा उंगली सुन पड़ चुका है, पैर का भी और हाथ का भी। बाकी कहीं ठंड नहीं लग रही है क्योंकि पहना हुआ इतने अच्छे से कि ठंड लगने का नाम ही नहीं। लेकिन पता नहीं शूज़ वाला काम ही नहीं कर रहा यार, शूज़ के लिए आप लोग कभी आओ तो एकदम जुगाड़ करके आना यार शूज़ का, ताकि आपको ठंडा ना लग पाए। हाथ का तो फिर भी चल रहा है काम, सुन है बट मैनेज है, बट पैर वाला कुछ ज़्यादा ही दर्द दे रहा है उंगली। तो देखो बर्फ है ना, चमक रहा है एकदम चमचम चमचम वाला। चलो जी, तो आप लोग हाई बोल दो, वीडियो में आ रहे हो। हेलो, अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम अरुण है और मेरा भाई मनोज है। मनोज, ये गुड़गांव में इनका पीजी है, मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ यार, बताओ ऐसा इत्तेफाक होता है। तो चलो आप लोग भी चल रहे हो ना। हाँ, एक ही चल रहे हैं। चलो चलो चलो, ओके। बैटरी बार बार धोखा दे रही है यार GoPro की, इसलिए बार बार चार्ज करके लगानी पड़ रही है। क्या करे, इतनी ठंड है कि बैटरी काम ही नहीं कर रही है भाई साहब। सिक्किम, सिक्किम नहीं गया हूँ यार अभी तक। नॉर्थ ईस्ट भी मेरे को कवर करना है पूरा, बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट भी कंप्लीट कर दूंगा। बस किस्मत ऐसी साथ देते रहे, भगवान की कृपा रहे, और क्या। बाकी तो भाई अपन करेंगे। बच गया। हाँ, वो दिख रहा है उधर लाल लाल। हाँ हाँ, वो पोस्ट ऑफिस है वो वाली। अच्छा, वो भी एक है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कॉमिक जाके फिर वापस नीचे जाएंगे। अच्छा, आप लोग कॉमिक जा रहे हो, ओके। जा रही है ना वो वाली, बोल रहे हो ना आप? हाँ, वो उधर लाल लाल दिख रहा ना, ये ट्रेन चले जा रही है ना। हाँ ओके जी, थैंक यू, ओके। हाँ तो गाइस देखो, वो रहा यहाँ का वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। अभी GoPro थोड़ा सा बैटरी बार बार डाउन हो जा रहा है, इसलिए मैं पहले ही आपको दिखा दे रहा हूँ क्या सौरभ भाई। तो चलो आगे निकलते हैं फिर, और ये जुगाड़ लगा के चलाना पड़ रहा है क्योंकि टेप है ना तेरे पास। हाँ लेकिन बहुत मुश्किल निकालना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत है, पूरा सामान खोलना पड़ेगा। चल चल चलते हैं फिर आगे। पता है आपको स्नो से ज़्यादा टफ ये वाला है यार, ब्लैक आइस। ओ भाई इतना स्किड करती गाड़ी, शिट। ओ नो नो नो, फंस गया। ओ शिट, नो नो नो। अरे यार, ओ नो, सेट।
फंस गया सर। ओ थक गया यार, थोड़ा सा धक्का मार दीजिए, फंस गया। करूं ओ थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाय गुड़गांव, आप लोग कहाँ से हो? ओ वाह नाइस, यस ब्रो वेरी टफ रूट मैन, सांसें चढ़ गई है। हाय बोल दो आप लोग वीडियो में। यस ARJ बाइक्स माय चैनल नेम, यस ये फोटो खींच लो आप इसका। बस गए, नो ही इज ऑल्सो इन इंस्टाग्रामर, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस है, मिलियन मिलियन में व्यूज आते हैं इसके। हाँ अभी तो यहीं पे फंस गया। चलो ओके बाय 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 ये। जय हिंद सर, क्या हाल चाल? इधर ही आया था पोस्टों में, लेकिन बाइक आगे जा ही नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो हाँ तो बाइक फंस जा रही है, तो मैं वापस लौट रहा हूँ। हाँ वापस अब जा रहा हूँ काजा, और काजा से फिर टैबो होते हुए रामपुर दिल्ली, दिल्ली जाना है मेरे को। आपका तो गाड़ी कहीं भी चढ़ जाएगा। आप इधर ही जा रहे हो क्या? ओके जी बाय बाय, जय हिंद। वैली में हूँ और हिकिम के लिए आया था मैं, तो पूरा जा नहीं पाया क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो बाइक स्किड कर रही थी। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ टैबो की तरफ, नाको में होप सो रुक पाऊँ क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, 1:30 बज गया लगभग, और देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप एक बार स्पीति वैली ज़रूर आओ, विंटर स्पीति, और यार बहुत मेहनत है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। तो चलो सांसें फूल जाती है यहाँ पे जल्दी जल्दी बात करो तो, बाकी एक बार नज़ारा देख लो आप यहाँ के। ओ वाह, और ये रही मेरी बाइक।